हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। नीम एक आयुर्वेदिक दवाई है जिसके कई सारे फायदे हैं। नीम हमारे शरीर, त्वचा और बालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसका कड़वा स्वाद बहुत से लोगों को खराब लगता है, लेकिन आप चाहे तो इसके रस को पीकर इसके औषधीय गुण का फायदा उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं नीम के जूस के फायदे के बारे में। नीम में एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। इसका जूस पिंपल और एक्ने जैसे समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नीम जूस शरीर की रंगत को निखारने में भी असरदार है। नीम की पत्तियों के रस और शहद को मिलाकर पीने से पीलिया में फायदा होता है। साथ ही इसके रस को कान में डालने से कान के विकारों में भी लाभ होता है। नीम के रस का इस्तेमाल मलेरिया रोग में भी किया जाता है। नीम वायरस के विकास को रोकता है और लीवर की कार्य क्षमता को मजबूत करता है। इसके जूस पीने से शरीर की गंदगी निकल जाती है, जिससे बालों की क्वालिटी, त्वचा की कोमलता और डाइजेशन अच्छा हो जाता है। मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद है नीम का जूस। अगर मधुमेह रोगी रोजाना नीम जूस पियेंगे तो इससे उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। साथ ही आंखों के लिए भी नीम का रस बेहद फायदेमंद होता है। इसे आंखों में डालने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। साथ ही अगर किसी को आंख आ गया हो तो वो भी जल्द ठीक हो जाता है। शरीर पर अगर चिकन पॉक्स के दाग हो गए हो तो इसके लिए नीम के रस से मसाज करें। यह चिकन पॉक्स के दाग को दूर करता है। इसके अलावा त्वचा संबंधी रोग जैसे एक्जिमा और स्मॉल पॉक्स में भी इसका रस काफी लाभदायक होता है। नीम एक रक्त शोधक औषधि है। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम या नष्ट कर देता है। नीम का महीने में 10 दिन तक सेवन करने से हार्ट अटैक की बीमारी भी दूर हो जाती है। मुंह के लिए भी नीम काफी फायदेमंद होता है। नीम के दातुन करने से दांतों के अंदर पाए जाने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। साथ ही दांत चमकीले और मसूड़े मजबूत और निरोग होते हैं। और अगर आपको पायरिया की समस्या हो गई हो तो इसके लिए नीम के रस में पानी मिलाकर इससे कुल्ला करें। इससे पायरिया की समस्या दूर हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान नीम का रस योनि के दर्द को कम करता है। इसके मसाज से लेबर पेन में आराम मिलता है। साथ ही बच्चे के जन्म के बाद अगर प्रसूता को नीम का रस पिलाया जाए तो इससे खून की सफाई होती है और प्रसूता को भूख लगती है और उसे बुखार भी नहीं आता। तो देखा आपने कितना फायदेमंद है नीम का रस। नीम का रस हमेशा सुबह सुबह ही पिए। इसके कड़वाहट को कम करने के लिए इसमें नमक मिला सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें चीनी बिल्कुल भी ना मिलाएं, क्योंकि इससे इसके औषधीय गुण कम हो जाते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।